हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे यूट्यूब फैमिली, आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, हम भी एकदम मस्त हैं। तो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं आज हल्द्वानी, और हम आज जाएंगे गाइस भवाली होते हुए नैनीताल रोड से। आज पहली बार जा रहा हूँ मैं, जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है मैंने, तब से आज पहली बार जा रहा हूँ मैं इस रोड से भवाली होके। तो आज दिखाते हैं आपको अपने ब्लॉग में भवाली होते हुए क्या मस्त व्यू आता है गाइस। तो अभी पहुंच चुके हैं हम भटेलिया गाइस, रूम पे गया था अपने, रूम से अपने बैगों को लेकर आया। तो गाइस मिलवाता हूँ अमन से। हाय गाइस, जा रहे हो? हाँ गाइस। चल है? अरे चल घुमा कर लाता हूँ, बैठूंगा मैं यहाँ पर। चल परसों को मिलते हैं फिर, ठीक है? निकलते हैं भाई, आराम से जाना, मिलते हैं। हाँ परसों मिलता हूँ, परसों वापस आ जाऊँगा, ठीक है? चलो हाँ हाँ, और मुझे वो सेंड कर देना। हाँ हाँ ठीक है, याद से। चल बाकी फ़ोन पे बात करता हूँ पहुँच के, ठीक है? तो गाइस आप लोगों को याद होगा मैंने जो थार वाला ब्लॉग डाला था ना गाइस, उस ब्लॉग की वजह से ना पता नहीं कौन था भाई कौन नहीं था, अपना आपको हल्द्वानी का बता रहा था कि मैं हल्द्वानी से बोल रहा हूँ, और गाइस फ़ोन करके मुझे ना रात को पहले उसका मेरा इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, पता नहीं इसको कहाँ से मिली मेरा इंस्टा की आईडी, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया मेरा कि अली भाई आप अपना नंबर सेंड करो, आपसे कुछ इमरजेंसी बात करनी है। तो मैं बोला क्या बात है भाई बताओ, तो बोला नहीं आप अपना नंबर ही सेंड करो, आपको कॉल करके बताऊँगा मैं। बोला मैंने सोचा शायद कोई जानने वाला होगा, मैंने नंबर सेंड कर दिया गाइस अपना, मुझे क्या पता था। गाइस मैंने अपना नंबर सेंड कर दिया, रात को तो कॉल नहीं आई, फिर बाद में वो तू थोड़ा आ गया, मैसेज भी किया उसने कि भाई सो के कब उठेगा तू। मुझे इतना अजीब लगा ना गाइस, मैं कभी किसी को भी ना अरे तू तड़ाक से नहीं बोलता गाइस, कभी भी किसी को तू तड़ाक से कभी नहीं बोलता मैं गाइस। अब उसका बोलने का तरीका इतना अजीब लगा ना मुझे गाइस, बहुत ही ज़्यादा भाई। कुछ भी बात है, कुछ भी बात करनी है ना भाई, पहले प्यार से तो पहले प्यार से बात करेगा तो बात तो बनती है भाई। तू अपने आप को ज़्यादा बड़ा मतलब क्या बोलते हैं एक गुंडागर्दी दिखा रहा था भाई, एक अलग तरीके से उसने। मैंने रात का टाइम हो रहा था, लगभग 11:30 बज रहे थे, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं सो गया। उसके बाद दिन में उसकी कॉल आई, मैंने उसमें हाँ इंस्टाग्राम में, सॉरी गाइस, मैंने इंस्टाग्राम में उसको टाइमिंग बताया, मुझसे बोला सो के कब उठेगा भाई तू, बोला सो के कब उठेगा तू, मैंने उसको टाइमिंग लिख दी मैंने कि 8 बजे उठूँगा भाई सुबह को, मॉर्निंग में 8 बजे उठता हूँ मैं। तो उसका कोई जवाब नहीं आया, मैं भी सो गया गाइस रात को। उसके बाद उसका दिन में क्या कहते हैं कॉल आती है मेरे नंबर पर, और कॉल आने के बाद बोला हेलो अली भाई, बोला हाँ भाई बोलो, कि मैं वही बोल रहा हूँ रात को जो आपसे नंबर लिया था, मन के हाँ भाई बताओ क्या क्या बात करनी थी आपको। तो बोला भाई वो जो तूने जो वो ब्लॉग डाला था ना थार वाला, वो ब्लॉग डिलीट मार दे भाई तू। बोला डिलीट मार दे भाई, ये कौन सी बात हो रही है यार। बोला डिलीट मार दे भाई तू उसे। बोला भाई बात तो बता, बात क्या है भाई, बात बताओ ना बात क्या है। तो बोला बात कुछ नहीं है, तू उसको डिलीट मार दे, जो थार वाला ब्लॉग डाला है ना तूने, तू उसे डिलीट मार दे अभी। बोला भाई पहले बोल तो तरीके से, प्यार से बोल तो, उससे प्यार से बात कर रहा हूँ ना मैं भाई, क्या बात कर रहा हूँ तो तू तड़ाक से क्यों बात कर रहा है भाई। वो तो बिल्कुल तू तड़ाक पर, और ज़्यादा तू तड़ाक पर आ गया कि तू ये बता तू ब्लॉग डिलीट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा तो मुझसे करवाना आता है डिलीट। मन की है मैं भाई, तू ब्लॉग डिलीट करवाने के लिए बात कर रहा है या अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए बात कर रहा है। उसके बाद गाइस क्या होगा ना, वो इतनी ज़्यादा मतलब एक अलग ही रवैये से बात करना स्टार्ट कर दिया गाइस उसने, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं कभी किसी को इस तरह से क्या बताऊँ, किसी को भी इस तरह से बात नहीं करता मैं किसी से भी भाई। और उसके बाद वो तो सीधा धमकी देने लगा भाई,
कि तू ऐसा है वैसा है, आना तू यहाँ आना वहाँ आना, कहाँ रहता है। मैंने कि मैं हल्द्वानी रहता हूँ भाई। बोला मैं भी हल्द्वानी रहता हूँ, तू हल्द्वानी कहाँ रहता है। मैंने कि मैं हल्द्वानी वहाँ रहता हूँ। मैंने अपना एड्रेस बताया तो वो बोलता है कि तू हल्द्वानी वहाँ कहाँ रहता है, ऐसा है वैसा है। अब मैं उससे ज़्यादा क्या कहता भाई। उसके बाद भाई वो तो सीधा धमकी देने लगा मुझे कि तू ऐसा डिलीट नहीं करेगा, मुझसे डिलीट करवाना आता है, देख मैं फिर क्या करता हूँ तेरे साथ में, ये है वो है। मैं भाई तेरा जो दिल करे वो कर लेना। मैं अगर प्यार से कहता ना भाई तो साला एक ब्लॉग नहीं, साले दो तीन ब्लॉग, सारे ब्लॉग डिलीट कर देता। लेकिन भाई प्यार से बोलता ना। और मैंने पूछा गाइस, रीज़न पूछा मैंने कि भाई रीज़न क्या है डिलीट करने का, क्यों डिलीट करूँ मैं। तो वो बोलता है भाई कि वो जिसकी थार थी ना वो मेरा दोस्त है और उसका फ़ोन आया है मेरे पास, तो वो नहीं, वो कह रहा है कि वो डिलीट, वो वाला ब्लॉग उसका डिलीट करवा दो भाई। मतलब भाई अगर उसको प्रॉब्लम थी, जिसको प्रॉब्लम थी तो भाई कॉल उसको करनी चाहिए थी ना, जिसको प्रॉब्लम थी, जिसकी गाड़ी थी। तेरा कोई मैटर नहीं है, तेरा दोस्त था, तूने नंबर लिया ना मुझसे, नंबर उसे सेंड करता, उससे कॉल कराता, वो उससे मैं बात करता भाई क्या किस वजह से डिलीट करा रहे हो। और पहली बात तो गाइज, वो मैं, आपने ब्लॉग अगर देखा है तो ब्लॉग में देखना, ब्लॉग में गाड़ी का नंबर शो नहीं है। उन्होंने पहले ही मतलब नंबर प्लेट फोल्ड कर रखी थी और मतलब नंबर शो ही नहीं हुआ उसमें। तो भाई प्रॉब्लम किस बात से है ना, मैंने नंबर शो थोड़ी नहीं किया ना, आपका गाड़ी का नंबर शो किया ना कुछ किया, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। और भाई जिसके क्या कहते हैं, जिसकी गाड़ी थी उसका फ़ोन आना चाहिए, उसका तो फ़ोन आना चाहिए था ना, उसका कोई फ़ोन नहीं है भाई, बीच में ही अपने आप धमकी दे रहा है। मान की भाई तुझसे जो हो तू कर ले, पहले डिलीट कर देता मैं, लेकिन धमकी के बाद तो डिलीट नहीं करने वाला भाई मैं। और गाइस उन भाई लोगों से मेरी बात हुई थी उस दिन, जिस दिन भाई लोगों का एक्सीडेंट हुआ था ना भाई, क्रैश हुई थी उनकी गाड़ी, मेरी उनसे प्रॉपरली पूरी बात हुई। मैंने उनसे थोड़ी देर रुक के बात भी की, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा। तो भाई लोगों का नेचर तो गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका बात करने का भाई। वो उस टाइम भी मतलब गाइस उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था, फिर भी उनका बात करने का तरीका गाइस बहुत अच्छा बात था, उनका बात करने का तरीका। और अगर उनका भाई लोगों का फ़ोन आता ना गाइस तो मैं बाकी में डिलीट भी कर देता ब्लॉग को पक्का। लेकिन वो जिस भाई ने भी, अगर उन भाई लोगों ने भी अगर फ़ोन कराया था ना, अगर उन्होंने कहा भी था तो भाई गलत आदमी से कहा था उन्होंने मुझे फ़ोन करने के लिए। अगर वो खुद नंबर लेके उससे कहते नंबर भाई उनका नंबर ले लो, नंबर लेके हमें सेंड कर दो, अगर वो खुद बात करते ना गाइस मैं पक्का डिलीट कर देता ब्लॉग को। लेकिन उन भाई लोगों ने जिस बंदे को भी चुना ना बात करने के लिए, बंदा गलत चुना। उस बंदे को बात करने की ना थोड़ी भी तमीज़ नहीं है गाइस, थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं थी। इतना बदतमीजी से बात कर रहा था ना गाइस, वो क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था वो। तो गाइस इस रोड से मैं जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है ना मैंने, तब से आज पहली बार जा रहा हूँ मैं इस रोड से गाइस। भवाली होते हुए नहीं तो मैं उस साइड से निकल जाता था, धारी वाली रोड से ना, उसी रोड से हमेशा आना जाना मेरा उसी रोड से लगा रहता है। आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को नई रोड दिखाई जाए, नई रोड का व्यू दिखाया जाए गाइस। गाइस पहुंच चुके हैं हम खपराड़। तो गाइस इस इलाके में ना इतना ठंडा रहता है ना गाइस, बहुत ठंडा रहता है इस इलाके में। ये खपराड़ का जितना भी इलाका है ना गाइस, बहुत ठंडा रहता है यहाँ पे। और क्या कहते हैं, बर्फबारी भी यहाँ, जब बर्फबारी होती है ना, इस सीज़न तो खैर बर्फबारी हो ही नहीं गाइस, और बर्फ़ारी होती है ना तो यहाँ पे खपराड़ में सबसे पहले बर्फ़ारी होती है और सबसे लास्ट तक रहती है यहाँ पे बर्फ़ारी।
तो गाइस इधर को पहाड़ों में अभी भी इतना ठंडा हो रहा है ना, देख सकते हो आप, मैं सामने जैकेट पहन रहा हूँ अभी भी। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम भवाली, और आज इतने टाइम के बाद भवाली आ रहा हूँ ना गाइस, बहुत 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 ही टाइम के बाद भवाली आ रहा हूँ आज मैं। बहुत समय के बाद आया हूँ भवाली, और इस साइड से अगर कभी भवाली आया भी ना तो गाइस मैं उस साइड से निकल जाता था, वहाँ सीधा भवाली से उधर को भीमताल होकर के। तो गाइस ये है भवाली का चौराहा, यहाँ से राइट को सीधा खैरना अल्मोड़ा को रोड गए, खैरना गर्म पानी अल्मोड़ा को, और लेफ्ट को नैनीताल, तो हम लेफ्ट को निकलेंगे नैनीताल वाली रोड में। हल्द्वानी 38 किलोमीटर, दिल्ली 309, नैनीताल 9 किलोमीटर। तो गाइस हम ये रोड गए सीधी ऊपर नैनीताल को, और हम जाएंगे नीचे को हल्द्वानी वाली रोड में। ये है मस्जिद यहाँ पे, हाँ नीचे। तो भाई जो ऊपर वाली रोड गई नैनीताल सीधा, और ये जा रही है हल्द्वानी, तो हमें जाना है फिलहाल हल्द्वानी, तो हम जाते हैं नीचे वाली रोड से ही नैनीताल, फिर किसी दिन चलेंगे। और फिर किसी दिन क्या गाइस, अभी रमज़ान का महीना चला है, तो रमज़ान के इस महीने के बाद ही हम नैनीताल जाएंगे, इस महीने के तुरंत बाद हम नैनीताल का ट्रिप करेंगे गाइस, पक्का बिल्कुल। फिर आपको नैनीताल की हसीन वादियाँ दिखाते हैं। सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ गाइस, देखिए कितनी हाइट है वो ऊपर। मस्त रोड है ना, मक्खन रोड एकदम से, और बाइक में तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मैं पहली बार जा रहा हूँ गाइस इस रोड से बाइक से, पहली बार, पहले मैंने जैसे बताया था मैं बस से आया था एक बार, और वो भी बहुत टाइम पहले आया था गाइस। कितना मज़ा आ रहा है यार, गाइस इतना मज़ा आ रहा है ना, पूरा लीन, पूरी गाड़ी पूरी झुक जा रही है, कहीं हमारी फेवरेट रोड ना बन जाए ये आने जाने के लिए, है बन तो गाइस। ये है महादेव रोमनाथ मंदिर, तो चेक कीजिए गाइस सामने का व्यू, और ये मक्खन मलाई रोड। तो गाइस हम आ रहे हैं वहां से, सामने से, कहां से, वहां से, हाँ ऐसे घूम के और सामने का व्यू चेक कीजिए गाइस, पूरा कितना मस्त व्यू है ना, बहुत जबरदस्त। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम जोलीकोट, ये है जोलीकोट की मार्केट, यहाँ से हो जाती है जोलीकोट की मार्केट स्टार्टिंग। हैं मार्केट कहाँ है जोलीकोट की, कंट्रोल कंट्रोल। तो ये है गाइस जोलीकोट की मार्केट, तो भाई सामने बोलेरो वाले को देखिए क्या गोली बना रखी है ना उसने बोलेरो को, खतरनाक भाई, इतनी पीछे से आ रहा हूँ उसके साथ में, और इतनी स्पीड से चल रहा है ना भाई, गजब यार भाई, खतरनाक ड्राइवर है जो भी है, क्या मस्त ड्राइव कर रहा है ना ये देखो फोर व्हीलर को। भाई एक बात और कहना चाहूँगा, थार वाले ब्लॉग में जो प्यार दिखाया ना भाई लोगों, आपने बहुत 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 मस्त क्या दिखाया भाई आप लोगों ने, बाहर वाले प्लेट में मेरा दिल खुश हो गया भाई, मज़ा आ गया। तो भाई वैसे अगर प्यार दिखाओगे ना हमारे सारे ब्लॉग में, तो भाई दिल इतना खुश रहेगा ना, मोटर ब्लॉगिंग करने का मन करेगा। तो भाई
प्यार बनाए रखी है भाई। बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम हल्दूचौड़। ये हल्दूचौड़ की मार्केट यहाँ से शुरू होती है पूरा, यहाँ से यहाँ तक इस समय पूरा हल्दूचौड़ की मार्केट है गाइस। और बहुत मतलब ठीक ठाक मार्केट है हल्दूचौड़ की भी गाइस। तो गाइस आज के सफ़र में आया बहुत ज़्यादा मज़ा, हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, इन्जॉय एकदम से इतना ज़्यादा इन्जॉय आया ना। आज नई रूट से आए थे हम और उस वजह से हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि रोड इतनी अच्छी थी ना बहुत ज़्यादा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज के ब्लॉग में भी उतना ही मज़ा आएगा जितना कि थार वाले ब्लॉग में मज़ा आया गाइस। तो अपना प्यार बनाए रखें गाइस और उसी तरह से प्यार दिखाएं हमारे इस ब्लॉग में भी जिस तरह से आपने थार वाले ब्लॉग में प्यार दिखाया गाइस, तो बहुत अच्छा लगेगा। और इस अगर इस वाले ब्लॉग में भी गाइस उतने ही ज़्यादा उतने ही लाइक और कमेंट्स और क्या कहते हैं व्यू आए ना जितने थार वाले ब्लॉग में आए, तो गाइस आगे को इससे भी अच्छा ब्लॉग शूट करके लाएंगे गाइस, कहीं आपको और बहुत प्यारी सी जगह का व्यू दिखाएंगे गाइस। हम फिलहाल पहुँच चुके हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए दिन के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।